हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय कुकिंग चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे बचे हुए चावल से एकदम नए तरीके से पापड़ की रेसिपी, जो आप देखते ही तुरंत बनाने लगेंगे। तो यहाँ देखिए, उसके लिए लिए हमने ये रात के बचे हुए चावल। तो आपके पास अगर रात के बचे हुए चावल हैं तो आप भी इस तरीके से इस रेसिपी को बना सकते हैं। तो सबसे पहले लेना है हमें यह मिक्सी का जार। तो इसमें डाल देना है हमें ये जो बचे हुए चावल हैं। एक बार में नहीं पीसना, इसको हम दो बार में पीस करके तैयार कर लेंगे। तो एक बार में जितना आएगा उतना हम इसमें डाल लेंगे। तो एक बार पहले हम इसको ऐसे ही पीस लेंगे, इसमें हमें पानी नहीं डालना है। जरूरत लगेगी तो इसमें हम बाद में पानी ऐड कर देंगे। तो पहले इसको हमें ऐसे ही पीस लेना है। तो यह देखिए, हमने इसमें बिना पानी इसको पीस करके तैयार कर लिया। तो अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे, इसके हमें पापड़ बनाने हैं। तो थोड़ा पानी डाल करके इसको हम फिर से पीस लेते हैं। तो चलिए, इसको हम फिर से पीस करके तैयार करते हैं। तो यह देखिए, इसको हमने देखिए ये पीस करके तैयार कर लिया है। अब इसको एक बर्तन में निकाल लेते हैं और इसी तरीके से और बाकी के बचे हुए चावल हैं उनको भी हम पीस करके तैयार कर लेंगे। तो यह देखिए, ये चावल को हमने पीस करके तैयार कर लिया है। तो इस तरीके का इसके लिए हमें ये बैटर को बना करके तैयार कर लेना है। तो यहाँ इसमें डालेंगे हम अब थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा डालेंगे इसमें खड़ा जीरा। नमक को जीरा को इसमें अच्छे से मिला लेते हैं पहले। तो देखिए, नमक और हमने जीरा को अच्छे से मिला लिया है। तो ना आपको इस पापड़ बनाने के लिए गैस जलाने की जरूरत है, ना ही घंटों पकाने की जरूरत है। झटपट से बन करके तैयार हो जाते हैं। जब भी आपके पास चावल बच जाए तो आप भी इस तरीके से झटपट से बना करके तैयार कर सकते हैं पापड़। तो देखिए, ये घोल हमारा बन करके तैयार हो चुका है। तो इसको अच्छे से मिक्स करना, नमक सारे मिक्सर में अच्छे से मिक्स हो जाए। और फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है, अगर ये रेसिपी पसंद आए ना तो वीडियो को ज़रूर से लाइक करना। तो देखिए, बैटर हमारा बन करके ये तैयार हो चुका है। तो अब चलते हैं, इसके हम बना लेते हैं पापड़। तो यहाँ देखिए, ये हमने एक पोलोथीन ली है, आटे वाली कट्टी। तो इसके हम हल्का हल्का तेल लगा लेते हैं तो पापड़ चिपकेंगे नहीं, और जब इसको हम हटाएंगे तो ये आसानी से हट जाएंगे। तो इस तरीके से हल्का हल्का तेल लगा लेना, ज़्यादा नहीं लगाना, ताकि हमारे पापड़ इसके चिपके नहीं। इस तरीके से आप पापड़ बनाएंगे तो ना टूटेंगे ना ही फटेंगे। तो चलिए बना लेते हैं। तो देखिए, यहाँ हमने एक चम्मच भर करके बैटर लिया है, उसको हम इस तरीके से डालते जाएंगे। ये देखिए, अपने आप ही फैल जाएगा, इसको हमें फैलाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देख सकते हैं, इस तरीके से हमें बना लेने हैं पापड़। आप इसको जितना मोटा पतला अपने हिसाब से बना सकती हैं। तो इस तरीके से हम बना लेंगे पापड़। तो ये देखिए, ये हमने सारे पापड़ बना करके तैयार कर लिए हैं। तो यहाँ देखिए, हमने इनको धूप में सुखा दिया है। जब ये धूप में अच्छे से सूख जाएंगे उसके बाद आपको दिखाते हैं। तो इस तरीके से आप इनको बनाने के बाद में धूप में सुखा दें, जहाँ अच्छे से धूप आती रहे। तो ये दो दिन में अच्छे से सूख करके तैयार हो जाएंगे। दो दिन के बाद फिर आपको दिखाएंगे।